शायद से किसी तत्व ने के अपसेट थे राइट? नाराज थे मुझसे, हो अभी भी। क्या बात थी बताओ? मुझे याद नहीं है, तुम बताओ क्या बात थी। नहीं मैंने पूछा कि बताऊं। अच्छा बताओ। ओके। वो इसलिए अपसेट था कि मुझे परेशान कर सकती हो। एक शर्त है मेरी, मैं तुम्हें गुदगुदी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे बैग पे मैं क्या लिख रहा हूँ उसका तुम्हें गैस करना होगा। अगर गैस कर लिया तो मैं तुम्हें गुदगुदी नहीं करूंगा, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें पता है। Good. इतने भी स्मार्ट नहीं हो तुम। अगस्त्य हुआ? हुआ आप दरवाजा तो बंद कर लिया करो। पाखी तुम्हारे घर वाले आ गए हैं। मैं आ रही। ठीक है। तेरे दिल की बात तेरे होठों पे लाने के लिए कुछ नया पैंतरा अपनाना पड़ेगा मुझे। आई खाना खाते। जी जी आप ही बैठिए। जी आई। अरे पाकी पाकी आओ आप हमारे साथ बैठो। जरूर। पाकी अगस्ती कहाँ है बेटा? मैं यही हूँ दादी। वो एक्चुअली मैं कोई प्लानिंग कर रहा था और कल मैं और पाकी हनीमून पे जा रहे ना, तो कुछ प्लानिंग थी जो जरूरी थी। पर भाई ये क्या बात हुई, पूरी फैमिली इतने टाइम के बाद साथ आई है, और अगर आप और भाभी चले जाओगे तो फिर? नहीं आप इस प्लान को थोड़ा लेट शिफ्ट कर दो प्लीज। बिल्कुल सही कह रही है तू नवेली, अब इतने वक्त बाद हमारा परिवार एक साथ ऐसे भिनो मिलजुल के वक्त बिता पा रहा है, तो अब क्यों ना एक साथ रहने के लिए हम सब एक फैमिली ट्रिप पर जाएं, यू नो समथिंग लाइक अ फैमिली हनीमून। फैमिली हनीमून। ये क्या कह रही हैं आप पाखी? मॉम इसमें हर्जी क्या है? देखो ना वैसे भी हम कितने दिनों से एक फैमिली बन के किसी ट्रिप पे नहीं गए, लेट्स गो। हाँ बहुत मजा आएगा। हाँ दादी नवेली सही कह रही है, चलते हैं ना प्लीज। शानू बेटा ये तुम्हारी दी और जीजू का हनीमून है, इसमें हम सब लोग नहीं जा सकते बेटा। हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं। दादी देखिए फैमिली ट्रिप होगी, सब एक साथ यू नो जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज मना मत करिए। ठीक है आप लोगों की मर्जी। आप लोग जाइए, लेकिन हम तो कल वैष्णो देवी जा रहे हैं, क्योंकि हमने मन्नत मांग के रखी हुई थी कि जब घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम वैष्णो देवी जाएंगे। अरे तो क्या हुआ दादी, जब आप वापस आ जाएंगी हम सब तब चले जाएंगे। पाखी आपको पता है ना, जब एक बार अगस्त्य बिजी हो गए अपने काम में तो फिर उनको बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी। अब उन्होंने ट्रिप प्लान किया है तो चले जाओ ना। खाइए ना प्लीज। फैमिली हनीमून या वेरी नाइस। आई नो we
ही नहीं है। क्या हो? आखिर तू ठीक है? मुझे लगा मैंने किसी को देखा यहाँ। यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे लगा पर कुछ नहीं है। बाकी चल आजा। हम वैष्णो देवी से आप सबको वीडियो कॉल करेंगे। आप सब जहां भी हो प्लीज दर्शन कर लेना। जी हाँ बिल्कुल पक्का। शनाय देख तुझे पापा का ना खास ख्याल रखना। मेक श्योर कि वो योगा करे और दवाइयां भी टाइम पे ले। और ना मुझे घर पहुंचते ही टेक्स्ट करना ठीक है। गुड नाइट। तुम तो बहुत खुश होगी हम दोनों की फैमिली हमारे हनीमून पे जा रही है हमारे साथ। अरे तुम इसमें खुश होने वाली बात क्यों नहीं है? कौन खुश नहीं होता है जब उनका पूरा परिवार एक ट्रिप पर जाता है, घूमने जाता है एक साथ? कौन खुश नहीं होता है? करेक्ट, कौन खुश नहीं होता। हाँ तो एक काम करना ना कि पूरे परिवार के साथ ना ये सारी खुशियां एक साथ बांटना। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। ओके मतलब तुम मुझसे बात नहीं करोगे? डोडो हेलो हाय हाउ आर यू डोडो? ठीक है गुड नाइट। गुड नाइट। दरवाजा कैसे खुला छोड़ दिया मैंने? मुझे इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? जैसे कुछ होने वाला है। वेलकम मिस्टर रायचंद, हमारे बेल बॉयज आप सबके बैग निकाल लेंगे। थैंक यू सर। कुछ पेपर वर्क करना बाकी है तो उसके लिए आप प्लीज मेरे साथ आइए। शॉली आप तब तक सबको रूम दिखा दीजिएगा। जी हाँ लेट्स गो लेडीज। वाओ एक तो हमारे हनीमून पे पूरी फैमिली को ले आई, ऊपर से मेरा वेट भी नहीं किया, अकेली चली गई। Ah.
अब आकर सॉरी बोलेगी, लेकिन मैं भी दिखाता हूँ कि मुझ में कितना एटीट्यूड है। बोलो। सॉरी। अब सॉरी बोलने का क्या फायदा है? तुझे पता है ना पाखी, मैं तेरे मुंह से सॉरी नहीं बल्कि कुछ और सुनना चाहता हूं। सॉरी नहीं, कुछ और। कुछ और? कुछ और? कुछ और? कुछ और सुनना चाहते हो? कुछ और? हाँ। वो पाखी, ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे तू ये क्या कर रही है सबके सामने? हम थोड़ी देर में वैसे भी रूम में जाने वाले हैं ना, तो रूम में? रूम? हम दोनों? हम दोनों रूम में? रूम में जाएंगे, लेकिन पहले तुम हमारे रूम में जाके मेरा बैग रख दो और लगेज भी रखवा ही देना तुम रूम में। हाँ, मुझे एक्चुअली रिसोर्ट देखने जाना है। हमारे रूम में। बाय। पाखी। पुलिस समझ के रखा है क्या मुझे? जो जल्दी चढ़ जाता है उसको चढ़ाने का भी अलग ही मजा है। अगस्त एकदम छोटे बच्चों की तरह चढ़ता है। अरे टोडो, अब टोडो इधर इधर देखो, मेरे साथ चलो, इधर आओ। देखो तो सही मेरी तरफ। अरे मुझे क्या? बोलो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? सोचा नहीं था कि दूंगी, पर अब रहा नहीं जा रहा है। कहो ना। क्या कहना है बाकी? कह दूं? I'm waiting. I Love. I love this place, Dodo. क्या amazing जगह बुक की है तुमने। It's beautiful. बहुत बहुत मजा आ गया यहाँ पर आकर। तुझे ये कहना था? हाँ, तुम्हें क्या लगा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, पूल साइड सब वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से पूल साइड आ जाना, ओके? और हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हो, लेकिन मैं तभी मेरे दिल की बातें तुमसे कहूंगी जब तुम अपने प्यार का इजहार सबके सामने करोगे। है क्या तुमने इतनी हिम्मत? We'll see. Hello everyone. Hello. एक सेकंड, ये सब क्या चल रहा है? वेकेशन पे आए हम लोग और देखो सब बैठ के सनस्क्रीन लगा रहे हैं, अपने में फोटो ही खींच रहे हैं। कुछ एक्साइटिंग करते हैं ना। हाँ चलो करो। अब आई हैव एन आइडिया, हम सब अंताक्षरी खेलते हैं। परफेक्ट, ये अंताक्षरी खेलने के लिए हम बनाएंगे टीम। हाँ, और पहली टीम होगी मेरी, जो होगी पाखी के परिंदे।
टीम में होंगे पापा और नवेली और मैं। अरे तू अपने जीजू की टीम में होगी ना, तेरी जीजू की टीम का नाम होगा अगस्त्य के अंजान और उस टीम में होंगे शनाया मम्मा और बुआ। चलो अब अपना टैलेंट दिखा, उठो उठो शुरू करते। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलो 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 माही वे वेरी गुड शनाया। वाओ ऐसे कोई गाना ही नहीं है। बिकानेरी चोकरी संतरे की चोकरी। वेरी गुड मॉम, ये वीडियो मेरे इंस्टा पे पक्का अपलोड होने वाला है। हाँ कर दे कर दे, सबको पता चले कि तेरी मॉम कितनी टैलेंटेड है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। क्या हुआ, सबके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं हो रही? चलिए अभी ई से गाइए। सीखो कुछ भाई, ये तो चीटिंग हुई ना, आई से पिछला वाला गाना खत्म ही नहीं हुआ। एंड वैसे भी आई तो इंग्लिश अल्फाबेट है ना। ओ मेरी धड़कन में तू, मेरी सांसों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू। मैंने तो अपनी हिम्मत दिखा दी, अब तेरी बारी।